हेलो फ्रेंड्स, ये है पैनासोनिक का एलुगा i9 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको मिलता है 4G वोल्टेज सपोर्ट, फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ साथ पैनासोनिक का इन हाउस डेवलप्ड AI असिस्टेंट आर्बो। ये आपके यूसेज को ट्रैक करके आपको ऐप सजेशन प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पैनासोनिक एलुगा i9 का बॉक्स, और इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग करें, आइए देखते हैं इस बॉक्स के ऊपर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स पे लिखा हुआ है कि ये फ़ोन आता है 5 इंच की HD डिस्प्ले के साथ, एंड्रॉयड 7.0 नोगट एंड 3GB की रैम, 32GB की इंटरनल मेमोरी, 13MP का ऑटो फोकस रियर कैमरा विद फ्लैश और 5MP का फ्रंट कैमरा जो सेल्फी के लिए यूज़ होगा, GPS, वाईफाई, ड्यूल सिम, 4G, 3G, 2G नेटवर्क सपोर्ट करता है, और बैटरी बैकअप में इसके पास है 2500 mAh की बैटरी। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है ये कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है और 1.25 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, OTG सपोर्ट करता है जो मैं इस वीडियो में आपको चेक करके दिखाऊंगा, और साथ साथ ये आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्बो के साथ। इसके बॉक्स में जो प्राइस मेंशन है वो है 11,990 रुपये का, पर एक्चुअली में ये फ़ोन जो लॉन्च हुआ है वो पैनासोनिक ने 7,499 रुपये का लॉन्च किया है। इसका मतलब मे बी मार्केट कंडीशन देखते हुए पैनासोनिक ने इसका प्राइस गिरा दिया हो। आइए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। जो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ दिख रही है वो है फ़ोन। इसको मैं फ़िलहाल साइड पर रख देता हूँ और पहले हम देखते हैं इस बॉक्स में और क्या है। इस बॉक्स में जो पहली चीज़ है वो हमें मिलती है एक वारंटी कार्ड और साथ में क्विक स्टार्ट गाइड ऑफ पैनासोनिक एलुगा i9। तो इसके बाद जो चीज़ है ये सामने, ये है एक सिम इजेक्टर पिन। इस फ़ोन में ये सिम इंसर्ट करने के काम आएगी। और इस बॉक्स में देखते हैं, इस बॉक्स में मिलता है आपको एक USB केबल, USB टू माइक्रो USB, और इस बॉक्स में और है एक 3.5mm का हेडफोन। जो क्वालिटी है उसकी वो नॉर्मल है, कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं है, तो एक एवरेज क्वालिटी का हेडफोन है ये। छोटे से बॉक्स में है हमारा चार्जर। तो ये जो चार्जर है वो है 0.3 एम्पियर का और 5 वोल्ट का आउटपुट है इसमें, तो इसका मतलब ये कोई फास्ट चार्जर नहीं है। तो आइए जानते हैं फोन के बारे में। फोन के फ्रंट और बैक साइड में कंपनी की इंडस्ट्रियल शीट चढ़ी हुई है फॉर प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम इसकी शीट को उतार देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने शीट उतार दी है इसकी, और दिखने में ये मुझे बाकी पैनासोनिक के जितने भी डिवाइस मैंने आज तक रिव्यू किए हैं देखे हैं उन सब में से ये मुझे अच्छा लगा है डिज़ाइन वाइज। बैक साइड जो इसकी वो मेटल की बनी है, ब्रश मेटल का लुक है, क्रोम मेटल्स की लाइनिंग, एंटीना लाइंस दी गई हुई है। नीचे आपको मिलता है एक माइक्रो USB पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफ़र। और साथ साथ आप यहाँ पर 2 ग्रिल्स देख सकते हैं, एक ग्रिल में आपको स्पीकर है और एक ग्रिल में माइक। राइट साइड में आपको मिलता है सिम ट्रे और पावर ऑन ऑफ बटन, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में आपको मिलता है एक ईयर स्पीकर, फ्रंट कैमरा, सेंसर और साथ में LED नोटिफिकेशन लाइट। ऊपर 3.5mm का चेक दे रखा हुआ है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो बैक साइड में है वो आता है एक क्रोम लाइन फिनिश के साथ, उसके ऊपर दे रखा है LED फ्लैश और उसके ऊपर हमारा 13MP का कैमरा, और उसी के ऊपर आपको मिलता है नॉइस कैंसिलेशन का सेकेंड माइक। आइए इस फ़ोन को ऑन करते हैं और जानते हैं इसके सॉफ्टवेयर फीचर्स के बारे में। इसका जो डिस्प्ले है वो 5 इंच का है, और अगर आप साइड पे देखें तो इसको एक थिक बेजल दिखेंगे जिसकी वजह से ये डिस्प्ले थोड़ा छोटा दिखाई देता है। अगर आप नेविगेशन की बात करें तो आपको जो बटन्स है वो ऑन द स्क्रीन मिलते हैं, यानी कि जो नीचे के जो स्पेस है वो पूरा ब्लैंक है। अब हम चलते हैं सेटिंग में और जानते हैं इसके स्टोरेज और रैम के बारे में। तो जो मेमोरी इसके अंदर आपको मिल रही है यूज़ करने के लिए, यानी कि रैम, वो है आपको 3GB, जिसमें से आपको 2.8GB यूजेबल है और 1.9GB फ्री है। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो आपको मिलता है 32GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से 8.83GB OS ने कंज्यूम किया है। तो ये एक ड्यूल सिम का ट्रे फोन है, यानी कि आप इसमें एक नैनो सिम और एक माइक्रो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसके सिम ट्रे को निकाल कर देखते हैं, ये हाईबिट है या स्टैंडर्ड। तो ये जो सिम कार्ड ट्रे है वो एक हाइब्रिड है, यानी कि आप इसमें एक माइक्रो
और एक नैनो यूज़ कर सकते हैं या फिर एक माइक्रो एक एसडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए। आइए इसमें जियो लगा के देखते हैं कि ये जियो सपोर्ट करता है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सिम डाल दिया है, तो ये हमारा नेटवर्क आ चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टी और 4G का साइन दोनों है, यानी कि ये फ़ोन वोल्टी सपोर्ट करता है। इस फ़ोन में आपको मिलता है मीडियाटेक का MT67351.25GHz का प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको मिलते हैं क्वाड कोर यानी कि 4 कोर का प्रोसेसर है ये। इसमें आपको 3 बेसिक सेंसर मिलते हैं, एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी। ये तो बात रही इसके हार्डवेयर की, अब आइए टेस्ट कर लेते हैं OTG सपोर्ट। तो ये मेरे पास पेन ड्राइव है 8GB की, ये OTG केबल है, आइए टेस्ट करते हैं OTG सपोर्ट। सो मैंने ये केबल लगा दी है और फोन ने सक्सेसफुली USB स्टोरेज को रिकॉग्नाइज कर लिया है, यानी कि अगर आपके पास पेन ड्राइव है और उसमें कुछ डेटा पड़ा है तो आप इजीली इसमें लगा के अपने गाने म्यूजिक या मूवी को प्ले कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा इसका अनबॉक्सिंग और इसके फीचर्स के बारे में एक शॉर्ट डिटेल्स। अगर आप इसका फुल रिव्यू जानना चाहते हैं तो मैं कुछ दिन में इसका फुल रिव्यू लेके आऊँगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।